हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। तो मम्मी पापा आ गए हैं। मैं सुबह उनको 6 बजे गया था बोरीवली स्टेशन लेने, और अभी जिस समय आधे 1 घंटे पहले पहुँचे। और शिवम ने बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनाया है। अभी थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखिए, पाव, काफ़ी सारे पाव लेके आया मैं, और काफ़ी सारे पाव हैं। और ये देखिए भाजी, भाजी का कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। तो मैं खाने के बाद भी आपसे टेस्ट बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। और अभी दो दिन के बाद गणपति जी आने वाले हैं हमारे घर, तो वो टाइम बड़ा इन्जॉय करने वाला होगा। तो मैं आपको ऐसे ही अपडेट करूँगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग अभी मैं और आदर्श, मेरा कज़न ब्रदर, थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेके आना है गणपति मंडप से जाने के लिए। तो चलिए, वहाँ पे भी लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। नींबू नहीं छोड़ा है? हाँ, नींबू निचोड़ना है उसमें, निचोड़ा नहीं है। एंजल, दादाजी के साथ खा रहे हो आप? एंजल क्या खा रही है? एंजल क्या खा रही है बेटा? कैसे बने शिवम? हाँ तो टेस्टी ही होंगे। तुम कैसे कैसे बने आदर्श? बहुत स्वाद, बहुत हार्ड तो नहीं बने? एंजल कैसे बने आप बताओ, कैसे बने बच्चा? हाँ कैसे बने? एंजल सिर्फ पाव खा रही है, सिर्फ और सिर्फ पाव। तो शोने, आपको कैसी लगी आप बताइए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। एंजल को कैसी लगी? रोज मिलना चाहिए। हाँ, रोज की बटर वाला है ना। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। अभी सुबह पाव भाजी बहुत ही हैवी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खा लिए थे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन का सामान लेने और पूजा का सामान लेने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है बाज़ार में, क्या क्या अवेलेबल है डेकोरेशन के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो अभी हमने ऑटो ले लिया है और हम जा रहे हैं स्टेशन के पास, जो मार्केट है वहाँ पर जा रहे हैं। और जस्ट 5 मिनट लगेंगे, हम लोग अभी जल्दी ही पहुँच जाएंगे। आज पूरा दिन बारिश हुई है, जस्ट अभी बारिश रुकी है। तो अभी हम ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पे हैं, और अभी हम ईस्ट में जा रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉप्स डेकोरेशन आइटम्स की वहीं पे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि आज बारिश होने की वजह से मौसम इतना सुहावना हो गया है। अभी इस टाइम पे बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सामने का व्यू। Thank you.
ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्टेशन के पास की जस्ट बिल्कुल पास में है, यहाँ पे सब्जी वगैरह काफ़ी फ्रेश मिलती है और काफ़ी अच्छे दामों पे भी मिल जाती है। तो ये बिल्कुल पास में है स्टेशन के, यहाँ पे हमेशा अक्सर भीड़ रहती है। अभी ऑफिस आवर्स ख़त्म ही होने वाले हैं तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। तो गाइज अभी थोड़ा सा सामान ले लिया डेकोरेशन का और अभी थोड़ा सा बाकी है तो वो भी लेते हैं, पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं डेकोरेशन का सामान, क्योंकि जब ही वेल डेकोरेट हो जाएगा तभी आप लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब गणपति जी बैठेंगे तो और भी मज़ा आएगा वो सीन देखने का। तो अभी क्या बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी फ्लाईओवर की, ईस्ट वेस्ट के ब्रिज की, तो एकदम से काफ़ी स्ट्रेट थी। अभी यहाँ से फिर से डाउन जाना आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो अभी हम लोग ऑटो स्टैंड ऑटो के लिए लाइन में खड़े, आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग क्यू में खड़े होते हैं। मुंबई में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, चाहे बस हो चाहे ट्रेन की टिकट हो या ऑटो लेना हो, वहाँ पे आपको क्यू में ही रहना पड़ेगा। लेडी जेंट्स सेम लाइन, कोई लेडीज़ की अलग लाइन नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर ये सिस्टम सबके लिए बराबर है। बहुत ही रश था मार्केट में तो अभी हम लोग ने फिर से ऑटो ले लिया है। अभी सोचा कि जो घर के एरिया के पास जो शॉप्स हैं वहाँ से थोड़ा सामान लिया जाए, तो फिर अभी हम वहाँ जाएंगे।
तो अभी गाइस मैंने डेकोरेशन का सामान ले लिया है जो थोड़ा बचा हुआ था, तो अभी बहुत ही एक्साइटमेंट है। एक दो दिन के बाद गणपति आने वाला है, 30th, 31st और 1st। सेकेंड को गणपति आ रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी आपको जो भी है, मैं तो अपने सेकेंड ब्लॉग जो कि गणपति जी को बिठाने के बाद और डेकोरेशन करने के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक देते रहें और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।